हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में तो पीआईबी में इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड में आर्टिकल प्रेस रिलीज आया था तो मैंने सोचा उसको यहाँ पर डिटेल में कवर करते हैं और सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा लेट्स बिगिन और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है आज के एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से तो उसको वो भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है समझने के लिए इसको राइट लेट्स बिगिन तो सबसे पहले तो अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था पीएम इंटर्नशिप स्कीम के नाम से और अक्टूबर थ्री 2024 को तो अक्टूबर थ्री 2024 को इन्होंने इसको अनाउंस किया इसका मेन पर्पस क्या है द मेन पर्पस इज एम टू प्रोवाइड वन करोड़ यंग इंडिविजुअल विथ वैल्यूबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ओवर नेक्स्ट फाइव ईयर्स अब आप सब हम सबको पता है कि एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा चैलेंज क्या है कि लोगों के पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता काम का राइट right? उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की होती है बट दैट इज नॉट गुड इनफ फॉर इंडस्ट्री तो उस चीज को कहीं कही ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश की गई है इस इंटर्नशिप के थ्रू एक करोड़ से भी ज्यादा यंग इंडिविजुअल को मौका मिलेगा टू वर्क विद कंपनीज टू गेन सम एक्सपीरियंस दैट विल हेल्प इन लैंडिंग देम जॉब एज वेल द स्कीम फोकसेज ऑन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एडमिक नॉलेज एंड द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि जो कॉलेज की पढ़ाई है या जो कॉलेज का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसकी वजह से जो लोग पास आउट होते हैं जिनके पास डिग्रीज भी हैं वो कहीं ना कहीं दे आर नॉट स्किल्ड इनफ एंड दैट इज द रीजन वाई इकोनॉमी इतनी तेजी से बदल रही है बिजनेस इन्वायरमेंट इतनी तेजी से बदलता है कि वहां पर ये गैप को फिल करना बहुत जरूरी है तो ये स्कीम उसी चीज को एड्रेस करता है अब पायलट प्रोजेक्ट है 24-25 के लिए तो टारगेट्स अबाउंड 1.2 लाख इंटर्नशिप इन 24 सेक्टर्स तो करेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको रन किया जा रहा है जिसका जो इनिशियल टारगेट होगा वो 1.25 लाख इंटर्नशिप्स दी जाएंगी जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में होंगी 24 सेक्टर में इंक्लूडिंग ऑयल गैस एनर्जी ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर को यहाँ पर रखा गया है ताकि जो भी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में उसको यहाँ से हेल्प मिल सके कंपनीज आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सपेंडिचर टू इंश्योर अब यहाँ पर जो कंपनीज भी चूज की गई हैं वो इस तरह से नहीं चूज की गई कि कोई भी कंपनी uh, में आपको इंटर्नशिप दिलाई जाएगी यहां पे उन्हीं कंपनीज को चूज किया गया है जिन कंपनीज ने का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सी एस आर जो एक्सपेंडिचर है, है वो काफी अच्छा है और वो कहीं ना कहीं एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस को करते हैं विच इज क्वाइट गुड काफी अच्छा है क्योंकि इस एज में अगर किसी के साथ धोखा हो जाए या कोई ऐसी कंपनी के साथ हम टाई अप कर लें जो कल को इंटर्नशिप के नाम पर आपको कुछ और सेल करना शुरू कर दे तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा राइट right? स्कीम इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा नहीं है थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें क्या डिफरेंट है क्योंकि इसका सोल फोकस जो है वो सिर्फ इंटर्नशिप के ऊपर ही है अब तक की एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये भी रही है कि हम जो भी स्कीम निकालते हैं उस स्कीम में बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर जो मेन गोल है वो सिर्फ इंटर्नशिप है और उसको टेलराइज एक्सपीरियंस है ना जिससे फाइनली हमारा इम्प्लॉयमेंट ये होगा मतलब कहीं ना कहीं स्कीम डायरेक्टली कोई भी एम्प्लॉयमेंट की कमिटमेंट नहीं करती है इसे इंटर्नशिप की कमिटमेंट करती है एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन एलिजिबल है तो कोई भी इंडियन नेशनल जो कि 21 से 24 साल के बीच में है और नॉट एम्प्लॉयड है कोई फुल टाइम काम नहीं कर रहा है और इनरोल्ड इनटू फुल एजुकेशन या फुल टाइम एजुकेशन में भी इनरोल्ड नहीं है वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन और डिस्टेंस जो है जो डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग हाई स्कूल हायर सेकेंडरी डिप्लोमा जिसने कोई भी बी एस सी बी ए बी कॉम बी बी ए बी बी फार्मा कुछ भी कर रखा है ऐसी कोई भी डिग्री या कोई भी किसी ने हाई स्कूल भी कर रखा है तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं इन एलिजिबल कौन है तो इन एलिजिबल वो लोग हैं जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं आई आई टी से आई एम से एनएल uh, यू से या कोई भी जो अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट से अगर आप पास आप, पास आउट हो रहे हो सीए हो सीएमए हो ऐसे लोगों को यहाँ पे एलिजिबल नहीं रखा गया है राइट जो कि अच्छा है कहीं ना कहीं कंपटीशन कम होगा और ऐसे लोगों को काम मिलेगा जिन लोगों को सच में उस काम की जरूरत है या एक्सपोजर नहीं है उनके पास इतना कैंडिडेट्स अदर अदर गवर्नमेंट स्कीम जो अदर गवर्नमेंट इंटर्नशिप के अंडर कुछ और बेनिफिट ले रहे हैं या अप्रेंटिसिप ले रहे हैं या स्किल स्कीम का पार्ट है और जिनकी फैमिली इनकम भी आठ लाख से ऊपर है वो लोग एलिजिबल यहाँ पर नहीं होते हैं राइट right? तो कौन एलिजिबल है और कौन नहीं एलिजिबल है वो भी यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया मूविंग ऑन अ पार्टनरशिप कंपनीज तो टॉप 500 कंपनीज वर सिलेक्टेड 500 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया सीएसआर एक्सपेंडिचर के बेस पे और उसी के बेस पर वो पार्टिसिपेट करेंगे बेस्ड ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये पूरी लिस्ट अप्रूव की है पार्टनर कंपनीज कैन कोलैबोरेट विद एंटिटीज विद देयर सप्लाई चेन और ग्रुप इफ एनेबल टू ऑफर डायरेक्ट इंटर्नशिप तो यहाँ पर पार्टनरशिप कंपनी को एक ऑप्शन भी दिया गया है कि आप अगर अपनी कंपनी में नहीं रख पाओगे इंटर्न्स को तो वो अपनी जो सप्लाई चेन वाली कंपनीज है जिनके साथ वो काम करते हैं उन कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटीज दिलाई जा सकती है किस तरह का मिलेगा एंड फोर्टी फाइव फ्रॉम दवर्मेंट गोर्टी फाइव हंड्रेड रूपी देगी पांच सौ रुपये सिर्फ कंपनीज को देना है और ये पूरा का पूरा पांच हजार रुपए मिलेगा आपको अगर आप इस स्कीम के अंडर इंटर्न बनते हैं तो, तो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो गई थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा स्कीम तो, तो काफी ठीक ठाक लगती है इसके अलावा यहाँ पे एक वन टाइम ग्रांट भी सिक्स थाउजेंड का आपको मिलेगा जो कि आफ्टर ज्वाइनिंग द इंटर्नशिप होगी तो इंटर्नशिप अगर आपको ऑफर हुई और आपने ज्वाइन कर लिया तो सिक्स थाउजेंड आपको वो मिल जाएंगे और पर मंथ आपको फाइव थाउजेंड और मिलेगा राइट चलो आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस uh, कवरेज किस तरह का है तो ऑल द इंटर्न्स जो होंगे जितने भी वो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी क्या अगर उनको कुछ हो जाता है वर्क प्लेस पर या कुछ भी तो उनको इंश्योरेंस भी मिलेगा इंटर्नशिप पोर्टल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम जो है ऑपरेट एक सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू होगा जहाँ पर लोगों को अपनी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और पूरा का पूरा लाइफ साइकिल उसी पोर्टल पर रन करेगा कैंडिडेट कैन अप्लाई अप टू फाइव इंटर्नशिप एक कैंडिडेट पांच इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकता है और सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो कहीं ना कहीं डायवर्सिटी और सोशल इंक्लूसिविटी को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा राइट right? और आपको मार्जिनल कम्युनिटीज को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि लोगों को काम मिल सके लोगों को इंटर्नशिप मिल सके एक फेयर चांस मिल सके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो कंपनी जो है पहले शॉर्टलिस्ट करेगी कैंडिडेट्स को उसके बाद बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेज और फिर क्वालिफिकेशन देखेगी उनकी और अगर उनको लगता है कि दे आर द राइट पीपल तो दे कैन ऑफर थ्रू द पोर्टल वो पोर्टल के थ्रू ही उनको ऑफर कर सकते हैं इंटर्नशिप डायरेक्टली ओके सो दैट्स इट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये पी में भी आया था तो मैंने कवर कर दिया पी एम इंटर्नशिप स्कीम क्या है कौन एलिजिबल है कौन नॉट एलिजिबल है इसका पी भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो नोट्स मास्टर प्लान के थ्रू आप उसको ले सकते हो एट द सेम टाइम अगर मेरे कॉन्टेंट को आप पसंद करते हो इस सीरीज़ को आप पसंद कर रहे हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आई वी रियली हैप्पी मैं बार बार कहता तो हूँ आपको सब्सक्राइब करने के लिए बट अभी भी देखता हूँ सेवेंटी टू एट्टी परसेंट लोग तो चैनल पर सब्सक्राइब ही नहीं करते थैंक यू सो मच यार थैंक यू मिलते हैं अगली वीडियो में